हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं संगीता और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम राजेंद्र पार्क दुर्ग में फ्लावर शो देखने आए हैं, तो चलिए आप भी हमारे साथ देखिए। दुर्ग में यह फ्लावर शो हर साल होता है। आप देख सकते हैं कि यहां पर कितने सारे स्टॉल लगे हुए हैं। सभी यहां पर अपने अपने दुकान लगाए हुए हैं। अंदर एंट्री करने से पहले मैं आपको बाहर का एक बार व्यू दिखा देती हूँ। अब हम एंट्री गेट की तरफ चलते हैं। एंट्री गेट के बाहर भी बहुत सारे फूलों की दुकानें लगी हुई हैं। इसमें बहुत ही अलग अलग प्रकार के फूल हैं। और हम राजेंद्र पार्क के एंट्री गेट के सामने में आ गए हैं। अब हम अंदर जाएंगे जहां फ्लावर शो हो रहा है। यहाँ पर फूलों का बहुत ही सुंदर डेकोरेशन है। जानवरों के सुंदर सुंदर मॉडल भी बने हुए हैं, ये देखिए। ये सेल्फी जोन है, यहाँ पर लोग अपने सेल्फी ले रहे हैं। अंदर में भी बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं। सामने में नगर निगम का बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है और इसके सामने मंदिर है। यहाँ पर इंडिया गेट का बहुत ही सुंदर मॉडल बना है जो पूरे फूलों से बना हुआ है। ठीक इंडिया गेट के सामने अमर ज्योति जल रही है। बहुत ही अच्छा फूलों का मॉडल है। और यहाँ पर देखिए कि कितना सुंदर लिखा हुआ है, हमर दुर्ग। ये फूलों से बना हुआ मोर है और यह फूलों से बना हुआ प्यारी सी एक तितली है जो फूल में ही बैठी हुई है। और ये एक स्टॉल है जहाँ गुड़ और अगरबत्ती वगैरह है। और देखिए यहाँ पर बच्चों के लिए फूलों के बीच में कितने सुंदर सुंदर मॉडल बने हुए हैं। और ये सब मॉडल जानवरों के हैं, इन्हें देखकर बच्चे बहुत ही खुश होते हैं। यहाँ पर भी बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर कार्टून वगैरह लगे हुए हैं। ये देखिए पार्क में एक झूला है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी एक ट्राई कर लेती हूँ। वैसे यह एक्सरसाइज करने के लिए ही है।
और ये देखिए ऑर्नामेंटल प्लांट, और ये है विंटर सीजनल प्लांट। आप देख सकते हैं कि इंडिया गेट के बगल में एक झूला है, वो भी पूरा फूलों से सजा हुआ है। अब मैं और मेरी बेटी इसमें झूला झूल रहे हैं। और ठीक इसके बगल में ये रहा बजरंगबली जी का मंदिर, जो पहले से ही राजेंद्र पार्क में है। और वो देखिए दूर में ऑर्केस्ट्रा भी चल रहा है। ये रहा पेंटिंग का स्टॉल। और इस स्टॉल में बहुत ही पुराने पुराने सिक्के हैं। ये जो आपको प्यारे प्यारे गाने सुनाई दे रहे हैं, ये उसी ऑर्केस्ट्रा में हो रहे हैं। थोड़ा घूमते घूमते थक गए हैं तो थोड़ा आराम करने बैठे हैं। यहाँ पर भी अलग अलग डिजाइन के आईने रखे हुए हैं, बहुत ही सुंदर है। इस स्टॉल में हर्बल के सारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फूलों की कितनी सुंदर क्यारियाँ हैं। और ये पार्क के सेंटर में वाटर फाउंटेन है। हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर भी बैठ जाते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर क्रिएटिव वर्क। ये देखिए यहाँ पर कुछ लोग कितने सुंदर पेंटिंग बना रहे हैं। वाटर फाउंटेन के ठीक बगल में ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, अब हम वहाँ चलते हैं। ये देखिए क्यारियों में कितने सुंदर सुंदर फूल हैं। इसको मुझे छूने का मन कर रहा था तो मैं इसे छू रही हूँ। अब ठीक इसके आगे ये रहा फ्लावर शो का स्टॉल। अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें कई प्रकार की प्रजाति के फूल वगैरह हैं। मैं आपको सब एक एक करके दिखाती हूँ। सभी फूल और पौधे के नाम तो मुझे मालूम नहीं है, पर यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। साथ
बहुत ही सुंदर तरीके से अरेंज किया गया है, बहुत ही सुंदर टेंट लगे हुए हैं। अलग अलग प्रकार के फूल को कितने सुंदर तरीके से रखा हुआ है आप देख सकते हैं। फूल सच में बहुत ही सुंदर है। आम जनता को संदेश दे रहे हैं कि जहरीला धुआं रोजाना निकलता है, वह अपने घरों में, अपने आंगन में और सड़कों पर वृक्ष एक बार यहाँ भी देखिए स्टॉल के बाहर कितने सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। मैं और मेरी बेटी थोड़ी देर के लिए फिर से बैठ गए हैं, इससे हमें भी थोड़ा आराम मिल जाता है। ये फूलों का बहुत ही सुंदर स्टॉल है, परंतु ये ओरिजिनल फूल नहीं है, सब प्लास्टिक के फूल हैं, पर ये देखने में एकदम ओरिजिनल जैसे लगते हैं। अब मेरी बेटी कहने लगी कि मम्मी बहुत फूल देख लिए, अब मुझे झूला झूलना है, तो थोड़ा हम झूला झूल रहे हैं। झूला झूलने के बाद हम थोड़ा सा डांस देख रहे हैं जो ऑर्केस्ट्रा में ही हो रहा है। और ये जो डांस कर रहे हैं ये सब अलग अलग स्कूल के बच्चे हैं। और यहाँ पर जो आप अरेंजमेंट देख रहे हैं ये सब केडी पब्लिक स्कूल वालों ने बच्चों के लिए किए हैं, जैसे क्राफ्ट, ड्राइंग, पजल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पजल में मेरी बेटी ने भी पार्टिसिपेट किया है, जीतने पर उसे बहुत ही सुंदर इनाम मिला है, और ये बहुत ही सुंदर इनाम है आम का पौधा। देखिए क्यारियों में कितने सुंदर सुंदर फूल हैं।
ये फूल मैं आपको दिखा रही हूँ जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ये देखिए अलग अलग प्रजाति के फूल हैं जो स्टॉल में सजे हुए हैं, और जिन्हें ये फूल पसंद है वो यहाँ से खरीद करके भी लेके जा रहे हैं। सब के सब ओरिजिनल और खूबसूरत फूल हैं। और एक बार फिर ये रहे प्लास्टिक के फूल। प्लास्टिक के फूलों का स्टॉल एक दो जगह ही है, बाकी पूरे ओरिजिनल फूलों का ही स्टॉल है। फ्रेंड्स, हमारा फ्लावर शो देखना हो गया, अब हम बाहर की तरफ निकलते हैं। बाहर में खाने पीने के अच्छे अच्छे स्टॉल लगे हुए हैं, तो चलिए अब कुछ खा लेते हैं। और हमने ऑर्डर किया है गरम गरम आलू गुंडा। अब मैं और मेरी बेटी आलू गुंडा खा रहे हैं। अच्छा टेस्टी बना है। और अब हम खा रहे हैं आइसक्रीम, ये भी बहुत टेस्टी है। इसके बाद हम चलते हैं घर की ओर। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।